हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सिम्बू के सपने। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे सपने में आप सबका बहुत स्वागत है। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन, तो आपके और आपके परिवार को नवरात्रि की सिक्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है माता कात्यायनी का पूजा और आज यहाँ पे चैती छठ भी है, यानी एक छठ पूजा होती है ठंडियों में और एक होती है गर्मियों में। तो जो गर्मी में छठ पूजा होती है उसे हम लोग बोलते हैं है चैती छठ। तो आज चैती छठ का सांझ का अर्घ है। कल नहा उस कल इससे पहले वाले दिन खरना था और उससे पहले दिन नहा खाए, तो छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज है तीसरा दिन छठ का। तो आपके और आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अपने इस प्यारे से दिन के साथ, इस अच्छे दिन के साथ आज इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज तो बंगाली लोग का न्यू ईयर भी है, यानी कि पहला वैशाख। आप लोग देख रहे हैं एक दिन में तीन तीन ठो पूजा है, तो आज कितना अच्छा दिन है ना। तो चलिए दिन को स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत और सुहाने सफ़र के संग। चलिए मेरे साथ फ्रेंड्स, आज माता को तरबूज भोग लगा था और हमारे यहाँ आज सतवान बोलते हैं, इसीलिए सतुआ गुड़ और आम का जो छोटा होता है कच्चा आम वो कैरी, उसको भोग लगाया जाता है। तो आज सबसे पहले हम लोग इसको मुंह में डालेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूजा वूजा हो चुका है। मैं क्लास गई थी और क्लास से आ भी चुकी हूँ, तो अभी तक का मैंने आपको अपडेट पूरा दे दिया है। तो चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर बारिश बारिश जैसा मौसम हो गया। अभी यहाँ बहुत धूप था, मेरे को इतना गर्मी लग रहा था जब मैं आई ट्यूशन से। तो ये देखिए, अब मैं फ्रूट्स खाऊंगी, मैं खाना वाना खा चुकी हूँ और टाइम बज रहा है 3। तो चलिए कुछ फ्रूट्स खाते हैं। और मैं आज क्लास गई थी तो इतना जोर धूप था और अभी देखिए एकदम छाँव हो गया है। एकदम रेडी हो चुकी हूँ फ्रेंड्स और शाम का आरती कर रही हूँ। तो मैं आरती कर लेती हूँ, उसके बाद अपना आउटफिट दिखाऊंगी आपको शाम की आरती मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। हो चुकी है, तो चलिए मैं अपना लुक दिखाती हूँ आपको और चलिए मंदिर में माता से मिलवाती हूँ। देखिए आज का पूरा लुक, नीचे व्हाइट कलर का प्लाजो, ऊपर ऑरेंज कलर की कुर्ती और विथ यह व्हाइट कलर का दुपट्टा। और मैंने आज व्हाइट कलर के इयर रिंग्स भी पहन ले हैं, मैंने हाथ में पहना है एक वॉच और मैंने बाल में पीछे एक क्लिप टाइप का, ये देखिए इस टाइप की क्लिप लगाई हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा कुछ फाइनल लुक इस तरीके का है। तो चलिए मंदिर चलते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा मेरा लुक आप लोग को कैसा लगा। रेडी होते हुए तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी और दीदी कैसे रेडी हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दीदी से मिलवाती हूँ। ये देखिए दीदी ने भी आज ऑरेंज पहना है, क्योंकि आज ऑरेंज कलर पहनना था। तो ये देखिए दीदी ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहन रखी है और हम दोनों ऑरेंज ऑरेंज ट्यूनिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको मम्मी से भी मिलवा देती हूँ। फ्रेंड्स मम्मी भी एकदम रेडी हो चुकी है, आज मम्मी ने भी ऑरेंज येलो कलर का साड़ी पहना है और मम्मी कुछ इस तरीके से रेडी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी और मेरा लुक, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और चलिए अब मंदिर की तरफ चलते हैं। तो बोलिए प्रेम से जयकारा शेरणी माधव बोल जय माता दी। तो फ्रेंड्स हम लोग मंदिर आ चुके हैं और माता रानी का आप लोग दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद भी ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर जौ निकल चुका है, कितना बड़ा बड़ा भी हो चुका है। और पंडित जी कल के लिए सफाई कर रहे हैं माता का। तो देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखिए मंदिर का दृश्य, आज कितने लोग आए हैं मंदिर में। तो यहाँ पे मम्मी दीदी आंटियाँ सब बैठ के कुछ गपशप कर रहे थे। तो देखिए आप लोग,
शाम की मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि मंदिर के हैं। में पूजा हो गया है और टाइम आंटियों से मिलवाने का। इसके दुपट्टे में फंस गया है, मैं निकालने की पूरी पूरी कोशिश में हूं। दुपट्टा बोले आंटी मत जाइए। चलिए मैं। अरे आंटी कितनी प्यारी लग रही है आज साड़ी में। मम्मी भी साड़ी, दीदी भी साड़ी। तो मैं जरा देखिए, अब इस तरीके से मैं इनको अपने घर भी लेके ऐसे जा सकती हूँ। बस आप लोग लाइक मारिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और ढेर सारा वोट दीजिए मेरे बच्चे को। बहुत मेहनत करती है भाई। सकते हैं माता के ऊपर कितना सुंदर चांद लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और माता का झंडा आप लोग भी देख लीजिए। बोलिए जय माता रानी। फ्रेंड्स, मैं मंदिर से घर आ चुकी हूँ, तो इसी संग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू सुबह के सपने। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अभी समय कितना हो रहा है। तो ये देखिए, अभी 6:45 हो रहे हैं सुबह के, और मैं इतना सुबह सुबह उठ के नहा भी ली हूँ और रेडी भी हो गई। और क्यों हुई हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, सूरज भगवान निकल चुके हैं और आज छठ पूजा का सवेरे घाट है, तो हम लोग जा रहे हैं घाट पे। तो चलिए मेरे साथ। भगवान निकल चुके हैं और ये देखिए, हमारे छत के व्रत वाले लोग सब यहाँ पे अर्घ देने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। देख रहे कितना अच्छा माहौल लग रहा है। तो जो छत व्रती हैं वो लोग ने अर्घ देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे सब कोई हवन में 5 बार करके आहुति दे रहे थे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, आंटी दीदी को सिंदूर लगा रही है। और हमारे यहाँ छठ में या फिर कोई पूजा में भी सिंदूर नाक पर से लगाया जाता है और पूरा सर तक, यानी पूरी मांग भरी जाती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सिंदूर को लगाया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे चले गए थे शिव शोक्ता जी को प्रणाम करने। ये छठ के आए जो बनता है इसे शिव शोक्ता कहते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग घर आ चुके हैं। फ्रेंड्स चलिए अब पूजा वूजा कर लेते हैं। और मेरे संग दीदी भी गई थी। तो ये रही दीदी, देखिए कितना सुंदर सिंदूर लगाया गया है। हम लोगों में हमेशा नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है, कितनी अच्छी लग रही है। तो आज हम लोग, मैंने जो आपको बांध दिखाया, सॉरी मैं थोड़ा लड़फड़ाई, वो उसका नाम है अर्जुन बांध, वहाँ पे आज पूजा हुआ था। तो चलिए अब घर में भी पूजा कर लेते हैं। ये आज की आरती मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, सुबह की मॉर्निंग आरती। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा पूजा वूजा हो गया है। तो चलिए अब नाश्ता वास्ता करते हैं और दिन शुरू आगे बढ़ाते हैं। मम्मी है वहाँ, मम्मी भी पूजा कर चुकी हैं। तो यहाँ खाना वाना खा के मैं और दीदी आ गए थे आइको सिटी हॉस्पिटल। दीदी को थोड़ा सा प्रॉब्लम था जो डॉक्टर दिखाना था। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं रिसेप्शन में, वेट कर रहे हैं कब डॉक्टर आएंगे और हम लोग दिखाएंगे। और फिर डॉक्टर के लिए हम लोग यहाँ से रिसिप्ट बना रहे थे। डॉक्टर दिखाना हो चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए अब घर चलते हैं। ये फ्रेंड्स, और मैं मंदिर जाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी हूँ। चलिए मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। और आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी सप्तमी है।
तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना फूल लुक, और आपके आपके परिवार को मेरे और मेरे परिवार के तरफ से नवमी की सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। देखिए आज मैंने व्हाइट कलर का ऐसा चिकनकारी का एक टू ड्रेस पहन रखा है, कुर्ती जैसा नीचे मैंने पहन रखा है, मैरून कलर का लेगिंग्स मैंने हाथों में पहन रखी है, कुछ इस झुनझुनी वाली बैंगल्स, ये मेरा लुक है। हाँ तो ये मेरा लुक है, आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा लुक आप लोग को कैसा लगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे आज दर्शन नहीं कराए, तो चलिए आपको मैं दर्शन करवा देती हूँ माता रानी। ये देखिए जॉब और भी बड़े हो गए हैं, आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी माता की कृपा से बड़े हो रहे हैं? तो पंडित जी सफाई कर रहे हैं एज यूजुअल, और ये रहे हमारे भगवान, और ये रहे हमारे भगवान। दीदी ने पहना है साड़ी और आज ये कलर व्हाइट, इसीलिए दीदी ने व्हाइट और ब्लू में पहना, मैंने भी व्हाइट पहना है। बहुत सुंदर सुंदर बाबू से मिलाते हैं, ये मेरा आयु बाबू जो कि फोन मांग रहा, फोन चाहिए आयु, फोन चाहिए। ये आयु की मम्मी है। जय हेलो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो बाबू। हेलो। यहाँ पे आंटी लोग आज करा रही हैं फोटो शूट, तो देखिए आंटी लोग आज पहनी है व्हाइट पे रेड, क्योंकि मैंने आपको बताया कलर आज का है व्हाइट, और सबको आज डांस करा। तो प्रेम से बोलिए जयकारा शेरवाली माता बोल साचे दरबार की जय। तो मंदिर से निकलने के बाद हम थोड़ा सा मार्केट गए थे, क्योंकि कल है अष्टमी और घर में है पूजा, तो थोड़ा सा ये देखिए माता के लिए सब सामान में रोली वगैरह अक्षत वगैरह लेना था, तो हम मार्केट गए थे। तो आप लोग भी देख लीजिए दुकान कितनी सुंदर सजी हुई है, सारे सामान कुंजी वगैरह सब कुछ माता के लिए ले लिए, तब हम लोग घर चलेंगे। तो चलिए घर चलते हैं। घर आ चुके हैं, मैंने चेंज कर लिया, मैं सब रिमूव करती हूँ, तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सिमू के सपने, बाय बाय, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और हाँ आप लोग कमेंट्स करना भूल जा रहे, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बाय बाय।